नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज रोहिल्ला फिटनेस पर। आज का हमारा टॉपिक है साइटिका पेन के लिए, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको लेट जाना है। इसको परफॉर्म करने का जो तरीका है, आपको अपने एक पैर को आपको ऊपर लेके आना है, अप्रोक्स 90 डिग्री एंगल पर लाने के बाद आपको होल्ड करना है। इसको कम से कम आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसको करने का जो बेनिफिट है, जो आपका साइटिका का पेन होता है, पैर के पीछे की तरफ जो नर्व्स होती हैं उसमें जो पेन होता है, उसको रिलैक्स करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे जो मसल्स की स्टिफनेस है, जो नर्व्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, स्ट्रेच पूरा आता है। तो इसको हमें कम से कम 5 बार हमें परफॉर्म करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमें अपने घुटनों को मोड़ना है, बेंड करना है। देन आपको अपने एक पैर को अपने दूसरे घुटने पर, अपनी थाइस पर आपके घुटने के पास रखना है और अपने पैर को पूरा ऊपर की तरफ 90 डिग्री की तरफ आपको लेके आना है। इसका बेनिफिट ये होगा, पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी वो हमारी एक लेग पे एक पूरा मसल्स पे स्ट्रेच कर रही थी, ये हमारे हिप्स पे पूरा का पूरा स्ट्रेच डालती है। बैक जो हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल्स होती है लेग्स पे, उस पे ये पूरा स्ट्रेच डालती है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है। आप इसे परफॉर्म मेरे साथ वीडियो को देखते ही देखते आप परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप वीडियो को देखेंगे, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन है। जो पहले वाली एक्सरसाइज थी वो बिगिनर्स के लिए, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा उनके लिए सपोर्टिव हो जाता है घुटनों को बेंड करने के बाद स्ट्रेच करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने को रखने के बाद आपको पूरा पैर स्ट्रेट करके आपको स्ट्रेच करना है। आप सपोर्ट के लिए अपने हाथों को भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट पूरा वही रहेगा, इसमें पूरा स्ट्रेच आएगा। पूरा आप देखेंगे पीछे का जो पोर्शन होता है हमारे लेग्स का, जहां साइटिका का पेन सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। इसको भी हमें कम से कम 5 बार परफॉर्म करना है। 10 सेकंड तक हमें होल्ड करके इसको रखना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में मिलाना है और अपने घुटने को आपको ऊपर की तरफ लेके आना है। अपने घुटने को आप पकड़कर अपनी पूरी चेस्ट पे टच करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे, आप जब इसको करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो बैक है, आपकी जो थाइस की बैक की मसल्स है, जहाँ पे साइटिका पेन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका पूरा मसल्स इसमें एंगेज होता है। आपको काफी हद तक करते हुए ही आराम होगा। आपको फील होगा कि हाँ, जहां जहां पे दर्द है वो पूरी मसल्स इसके अंदर पूरी की पूरी यूज हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो मूव होगा वो होगा, हमें अपने दोनों पैरों को एक साथ आपको लेके आना है और दोनों हाथों से हम उसको अपनी खींचकर अपने चेस्ट पर टच करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे जो हिप्स हैं, मेरी जो लेग्स हैं, वो मसल्स पूरी की पूरी स्ट्रेच हो रही है। पूरा का पूरा उनसे मैं वर्क करा रहा हूँ। ब्लड फ्लो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम कभी स्ट्रेस डालते हैं, हम उस मसल्स को यूज करते हैं, तो ब्लड का फ्लो होने के कारण जो भी उसके अंदर स्टिफनेस होती है, जो भी उसके अंदर पेन होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा आराम मिलता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका यह है कि हम अपने पैरों की एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे, हमारे कंधे जमीन पे रहेंगे और हम अपनी कमर को मैक्सिमम जितना हम ऊपर उठा सकते हैं हम ऊपर उठाएंगे। ये हमारे कूल्हों पे जो स्ट्रेस डालता है, पूरा स्ट्रेच करता है, फ्लेक्स करता है मसल्स को। लेग्स पे जो पीछे बैक साइड पे जो साइटिका का पेन जहाँ सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसको रिलैक्स करने में ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। साइटिका का जो पेन है वो कमर से होते हुए हमारे दोनों पैरों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल रूटीन के जो काम है उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम बहुत परेशानियां महसूस करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है, आप अपने पैर को दूसरी साइड में आप बेंड करके रखेंगे अपने घुटने के पास, एक पैर को, जैसे आप पोजिशन देख रहे हैं मेरी, और आप अपनी एल्बो से यानी कोनी से आप पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब मैंने पोजीशन चेंज की है, मैं दूसरे पैर से आपको करके दिखाता हूं। आपने अपने पैर को इस तरह से रखा, रखने के बाद आप अपनी एल्बो से पूरा इसको स्ट्रेच करेंगे। आपकी जो कूल्हे की, जो आपकी हिप्स की,
आपकी जो मसल्स है, जो आपकी लेग्स की जो मसल्स है, जिसे हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, उसको स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे परफॉर्म जब करेंगे, आपको खुद इस चीज का एहसास होगा कि आपकी पूरी मसल्स है, उसमें पूरा खिंचाव आ रहा है और आपको दर्द में बहुत हद तक आराम मिल गया है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज अच्छी लगेंगी, आप इसे करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।